अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मुल्तान मार्केट का इफ्तार बुफे, जिसकी प्राइस है 3,450 और जिसमें मटन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आज रिव्यू करते हैं, वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले इनका जो है वो सैलेड है, फ्रेश सैलेड। ये ड्रैगन फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, ये मिक्स सैलेड नज़र आ रहा है, ये स्वीट सैलेड है, सॉर सैलेड है, ए लॉट ऑफ वराइटीज़ ऑफ सैलेड एंड सॉसेज एज वेल। ये फ्रेश सैलेड आपको नज़र आ रहा है। सैलेड इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और इसको मैं 10/10 इसकी जो रेटिंग है सैलेड की, बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही इसका कह लेंगे एवरेज इसमें जो थी हर एक चीज़ की क्वान्टिटी। और उसके बाद इनका जो मोस्ट हाईलाइटेड है वो मटन है। मटन कढ़ाई मिल जाती है आपको, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, मटन कलेजी मिल जाती है, देसी कढ़ाई मिल जाती है चिकन की आपको, देसी इसमें बहुत मेन्यू में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और चिकन चीज़ आपको, ये लेमन हांडी मिल जाती है और उसके बाद आपको मिल जाती है चिकन पुलाव। चिकन पुलाव इनका एवरेज था, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इसमें। और इसके बाद यहाँ मिल जाता है साउथ वेजिटेबल, ये भी एवरेज थे। और इसके बाद आपको पास्ता मिल जाता है, पास्ता इनका एवरेज है। और उसके बाद इनका पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा इनका बस ठीक था, लेकिन इनका जो मेन हाईलाइटेड है वो इनका देसी है, देसी कुजीन है जिसमें, हाँ ये ढाका इनका चिकन बहुत अच्छा था। और उसके बाद आपको मिल जाता है वेजिटेबल चाउमेंस, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा टेस्ट था, वेल बैलेंस्ड टेस्ट था इसका। और उसके बाद आपको मिल जाता है चिकन हॉट प्लेट, ये ग्रेवी इनकी एवरेज ग्रेवी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद मशरूम गार्लिक सास इनकी, ये बहुत अच्छी थी, इसको फ्राइड राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एग फ्राइड राइस आ गए, राइस भी इनके बहुत अच्छे थे। और उसके बाद आपको मिल जाती है दाल माश, दाल माश तो कोई खाता नहीं है बुफे में वैसे, फ्रेंकली स्पीकिंग मिक्स वेजिटेबल भी कोई नहीं खाता, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद आपको मिल जाता है बीफ स्टीम, बहुत अच्छा था। वैरायटी ऑफ नान रोटी मिल जाती है जो कि बहुत ही फ्रेश थे। अंगारा टिक्का बोटी इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, लाइव बारबेक्यू है इनका। और इसमें आपको मलाई टिक्का बोटी मिल जाती है, ये इनका एवरेज टेस्ट था इसका। और उसके बाद आपको चीज़ कबाब मिल जाते हैं, चीज़ कबाब इनका बहुत ही ज़बरदस्त था। मटन कबाब इनका बहुत अच्छा था, लेकिन ये थोड़े से स्पाइसी थे, तो ये लेस स्पाइसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको चिकन सजी मिल जाती है आपको, उसके बाद गुलाब जामुन मिल जाता है, शाही टुकड़ा मिल जाता है। और सबसे जो इनका हाईलाइटेड है वो है मटन सजी, मटन मंदी भी कह सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। और इनकी जो रीफिलिंग है वो बहुत अच्छी है। अब तक मुल्तान में मैंने जितने भी इफ्तार बुफे ट्राई किए हैं, सबसे अच्छी रीफिलिंग इनकी है। क्वांटिटी फूड की बहुत अच्छी है, एट द टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए, अंकल से मैंने तीन दफ़ा रीफिल करवाया और बहुत अच्छे से उन्होंने रीफिल करके दिया मुझे, और जिसमें आप अपनी कह लें कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनसे ले सकते हैं। अगर आपको चाप का पसंद है, फुट का पसंद है, वट एवर जो भी आपको पसंद है वो आप ये मीट उनसे ले सकते हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप जब वहाँ पे जाएं तो ज़रूर ये ट्राई करें। बल्कि जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है आपकी मटन मंदी के ऊपर होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत आला टेस्ट है इनका। और बात करते हैं कि एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त था, ओपन एयर रूफ टॉप फ्रेश एयर, मतलब कि कंजस्टेड एरिया नहीं था, बहुत ज़बरदस्त एरिया था। इनकी एम्बियंस बहुत अच्छा था, लाइटिंग प्रॉपर थी और एसी वगैरह भी, चिलर वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था। हालांकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि बुफे में इतना रश हो, लेकिन इनके अगर प्राइस को देखा जाए, प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप डिशेज़ को देखते हैं कंपेरेटिवली बाकी से बहुत अच्छी हैं। अब इनके स्वीट सेक्शन में शाही टुकड़ा था, ये एवरेज था, ये मुझे खास इतना पसंद नहीं है। लबे शीरी इनका ठीक था और सवैयाँ इनकी बहुत अच्छी हैं,
और खीर इनकी बहुत ज़बरदस्त है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रूट ट्राइफल भी इनका एवरेज है, ये जेली मैंने ट्राई नहीं की। एग पुडिंग भी ठीक थी, बस एवरेज कह लें आप इसको। और उसके बाद वैरायटी ऑफ पेस्ट्रीज थी, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने एक जो है वो स्पून इसका लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने सारा ट्राई किया है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी और जो कह लें कि यमी और मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग की जो खीर है और इनकी जो सेवैयाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। शुगर लेवल इनमें बड़ा मेनटेन था, वेल बैलेंस था, और आपको खा के बहुत मज़ा आएगा उसको। और बाकी इनका जो कह लें कि टाइमिंग है, टाइमिंग भी इनकी कह लें कि इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप 6 बजे से लेके इन्हें इफ्तार टाइम से लेके 8:30-9 बजे तक इजीली आप वहाँ पे अवतार बुए पे स्टे कर सकते हैं। तो इसमें आपको सर्व की जाती हैं इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, आपके जो आप लेना चाहें, पेप्सी से स्प्राइट व्हाटएवर जो भी लेना चाहें। तो स्वीट सेक्शन इनका कंपेरेटिवली बाकी बुफे जो मुल्तान में हैं उनसे थोड़ा सा इनका कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप खीर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, खीर इनकी अच्छी है। और उसके बाद कह लें कि जो इस बुफे की जान है वो है ये कुल्फ़ी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका। फुल मिल्की, फुल जमी, फुल ठंडी और प्रॉपर कह लें कि आइस्ड कुल्फ़ी आपको मिलती है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। तो मैंने ये ट्राई किया है, आप 2 से 3 कुल्फ़ी है वो इजीली आप खा सकते हैं। तो वैसे भी खाने के बाद थोड़ी मीठे की क्रेविंग होती है, तो ये जो कुल्फ़ी आपकी क्रेविंग को बिल्कुल फुलफ़िल करेगी, तो ये आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा एडिशन है बुफे के अंदर कुल्फ़ी का, तो इस लेवल की कुल्फ़ी मुल्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त कुल्फ़ी थी, इसका टेस्ट प्रॉपर जमी हुई फुल मिल्क के साथ, तो एक बहुत अच्छी फील आती है, एक बहुत अच्छी वाइब आती है मिल्क की जब इसको आप खाते हैं। और उसके बाद जो ओवरऑल जो रेट मैं करूँ इस पूरे बुफे को, तो वो 8/10। और इसमें जो है मटन की जो डिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपको मटन कढ़ाई मिल जाती है, मटन मंदी मिल जाती है, मटन कबाब मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको देसी मुर्ग मिल जाता है, और आपको दूसरे टिक्का बोटी मिल जाती है। यानी देसी जो है वो इसमें टच ज़्यादा है, देसी जो डिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छी खासी गैदरिंग थी वहाँ पे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लोकेशन है बोसन रोड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।